आज से लगभग 8 महीना हुआ है हमें आए हुए इस गांव में, तो उससे पहले एक देश मित्रों का प्रोग्राम था इस गांव में, जब तो हमें पता लगा था वहां पे कि इस गांव में एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए बच्चे दूसरे गांव से बुलाने पड़े थे, किसी दूसरे गांव से बच्चे आए तो स्वागत गीत करने के लिए ना। तो अब आप लोग खुद देखिए आपके गाँव में, हमें तो ये लगता है कूद कूद के टैलेंट इस गाँव में ही भरा है, इतना बेहतरीन इतने अच्छे से हर चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि शहर के बच्चे अच्छे हैं अच्छे हैं या फिर कहीं और के। तो सबसे मैंने आप अपने बच्चों को ध्यान, ये कतई मत जान दो कि बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, आप कतई मत सोचो कि ये सरकारी स्कूल है तो अच्छा नहीं होगा, आप मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी मानसिकता चेंज करें। अगर जो सरकारी अध्यापक आता है वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, वेल क्वालिफाइड होता है और पूरा मन से काम करना चाहता है, बस आप लोग उसका सहयोग करें, अगर आप उसका सहयोग करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें वो भी आगे और मेहनत करेगा। और खैर इस गाँव के लिए हम कहेंगे भी कि हम जब से भी आए हमें बहुत सहयोग मिला है इस गाँव के हर बच्चे का हर अभिभावक का, क्योंकि गाँव में आए तो लोग ये कहते हैं कि ये ताला खुला पड़ गया रह जाएगा तो कोई कुछ निकाल लेगा, कोई कहता है जाली पड़ी तो कुछ ले जाएगा, तो हम तो ये देखते हैं इस गाँव में एक एक बच्चा मेरे लिए रखवाली करता है, एक एक बच्चा मेरे लिए रखवाली करता है, कतई चिंता नहीं करते बेटी मेरी कहाँ पड़ी है, हर चीज मेरी एकदम सुरक्षित रहती है, हमें ताले वाली इनको जरूरत ही नहीं पड़ती इस गाँव में, बाकी बहुत अच्छा गाँव है आप लोगों का, बस आप लोग धन्यवाद। और इसी